मेरा नाम शिवानी है और मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम एकदम नए हैं, तो हम यहाँ पे आए थे आइसक्रीम की जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है ये जानने के लिए। फर्स्ट टाइम मेरा जो यहाँ मैं कैसे आई, तो यूट्यूब से आई। यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखे थे मुकेश सर के, संदीप सर के। और जब मैंने फर्स्ट टाइम मुकेश सर को कॉल किया, तो उनसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे यहाँ आना चाहिए। चाहे आगे कुछ भी हो, हम इस फील्ड में आए या ना आए, लेकिन मुझे यहाँ पे आना है। तो फिर इस वजह से हम यहाँ आए और माइंडसेट ये लेके आए थे कि अगर यहाँ पे कुछ होना हो तो अहमदाबाद घूम ही लेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद पूरा जो हमारा जो ये था मिथ था कि जो भी क्वेश्चन वगैरह जो भी थे तो सब सॉर्ट आउट हो गए। और यहाँ हम, मुझे ऐसा लगता है कि हमें छोड़ कर के यहाँ पे सब मैन्युफैक्चरर्स ही ऑल। तो उनसे बात करने के बाद जब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि उनको भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, जो लोग यहाँ पे 10 साल से 15 साल से जिनके प्लांट से, और हम तो पूरे न्यू ही हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्टार्टअप में ही, अगर हम इसमें अगर जाएंगे तो स्टार्टिंग में ही हमको बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिला है और एक प्रॉपर नॉलेज हमें मिली है स्टार्टिंग में ही। तो फिर मुझे यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लगा। थैंक यू संदीप सर। जो ट्रेनिंग आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज ड्रॉप करना चाहेंगे आप? सर, मैं जब यहाँ फर्स्ट डे आई थी तो इंट्रोडक्शन के वक्त ही मैंने बता दिया था कि मुझे आइसक्रीम का आई भी पता नहीं है, लेकिन आज यहाँ से जाने के बाद मैं एकदम कॉन्फिडेंटली आइसक्रीम बना सकती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये पूरा मतलब सेल भी कर सकती हूँ कमर्शियली। तो फिर जो भी यहाँ आना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो आए, उससे आपको मोटिवेशन ही मिलेगा। और ख़ास करके संदीप सर की जिस स्टोरीज उन्होंने सुनाई है, तो उनसे तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन हमें यहाँ से मिला है। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा कि किशोर सर भी आए, मैं उनको ज्वाइन करें एक बार, उनके लिए भी जोरदार तालियां। नमस्ते, आप तो जानते हैं हम नए इस फील्ड में, यानी कि हमारा कुछ भी नहीं। पर यहाँ पे आके, आने के पहले हम डिसाइड नहीं थे कि हम कौन सा बिजनेस करें। कई बार ऐसा लगा कि दो चार दिमाग में थे, पर एक बार इसने ही बोला कि हम आइसक्रीम फील्ड में थोड़ा सा देखेंगे चल के क्या होता है क्या नहीं। तो आइसक्रीम फील्ड में जाने से पहले हमें ये भी पता नहीं था कि कौन सा बिजनेस चालू करें। तो कई लोगों ने हमें बताया कि नहीं, वो पूरी फैक्ट्री लेनी पड़ेगी, लगभग 20-25 लाख तक खर्चा आएगा, इंक्वायरी की। तो हमने सोचा कि इतना बड़ा खर्च करना है, इन्वेस्ट करना है, तो इसका फीडबैक कितना मिलेगा, इसकी शुरुआत कैसे करें। तो यहाँ आके हमें तो उसके बारे में संदीप सर जी ने सब कुछ बताया कि कैसा कैसा आप कर सकते, ये भी किया कि कहाँ से शुरुआत कर सकते आप, पहले से कैंडी से भी शुरुआत कर सकते, वहाँ से धीरे धीरे बढ़े, पूरा इन्वेस्टमेंट एक साथ मत करो। यानी कि मुझे जो गाइडलाइन चाहिए थी वो गाइडलाइंस संदीप सर ने दी, कुछ आप लोगों ने भी दी, आपके अनुभव से आपने भी बताया कि भाई तुम ऐसा करो वैसा करो, इसलिए आप लोगों का भी शुक्रिया और संदीप सर आपका भी शुक्रिया। और यहाँ पे आके एक चीज़ हमें मिल गई कि कॉन्फिडेंस होना होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके सिवा तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। मेरे दिल में भी एक डर था कि हम ये कर रहे, इतना बड़ा इन्वेस्ट कर रहे, पर ये सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं। हम शायद मैं यहाँ नहीं आता तो मैं ये बिज़नेस नहीं चालू करने की सोच भी नहीं सकता था, पर अब सोच रहा हूँ। पहले तो दिमाग में तो 50% क्या 30% भी नहीं था कि हम चालू करेंगे। एक यहाँ पे आके हमें एक फीडबैक मिल गया है, यानी हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि हम यहाँ से कुछ लेकर जा रहे हैं और हमें यहाँ से बहुत कुछ, यानी बहुत कुछ सीखने को मिला है। धन्यवाद सर। अच्छा शिवानी मैम, अच्छी वाइफ होने के साथ में सबको मोटिवेट भी करती हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, हर किसी के पीछे एक गॉड फादर होता है। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हो और यहाँ से ही हमारी स्टार्टिंग होगी बिजनेस की। तो ये आपकी जो टीम है, टेक्नोलाइट टीम, संदीप सर, मुकेश सर और हमारी जो पूरी बैच है, मतलब सब लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से हमको समझाया है। तो आप सब लोग हमारे लिए गॉड फादर के जैसे हो गए।